तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑनर्स बीए सेमेस्टर 6 का डीएससी पेपर 4। तो डीएससी के आप लोग के चार पेपर होते हैं, सेमेस्टर 5 में दो, सेमेस्टर 6 में दो। सेमेस्टर 6 का अंतिम पेपर डीएससी पेपर 4। सबसे पहले जानते हैं डीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएससी का पूरा नाम होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ठीक है। एंड इस पेपर में आपको स्पेशली पढ़ना होगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि राजनीतिक भूगोल के बारे में, ठीक है। एंड आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आपका सब्जेक्ट यही है, सब्जेक्ट यही है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो आपका डेफिनेटली इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं, कुछ गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रहे होंगे, तो डोंट माइंड, इसको माइंड करना है, सड़क किनारे है, थोड़ा दिक्कत होता होगा उसके लिए सॉरी। अब आइए देखते हैं 19-22 सेशन में पूछा गया पेपर है। फुल मार्क्स आपके 100 होते हैं, जिसमें से 40 नंबर आपको प्रैक्टिकली दिया जाता है एंड 60 नंबर इस पेपर में लिखने होते हैं। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है 60 नंबर लिखने के लिए। अदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका तो 80 मार्क्स का होता है, आपको तो 60 मार्क्स का ही लिखना होता है। तो आइए देखते हैं, इस पेपर में बोला जा रहा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, किन्हें 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे एक भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 केवल थोड़ा सा डिफरेंट है, बाद बाकी सभी सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 1 भी 15 मार्क्स का है, इसमें आपको 3 प्रश्नों के आंसर देंगे, 5-5 मार्क्स का होगा। तो पहला है इसमें सामुदायिक वानिकी क्या है वर्णन करें, व्हाट इज कम्युनिटी फॉरेस्ट्री डिस्कस। तो सामुदायिक वानिकी में आप उदाहरण के लिए दे सकते हैं, जैसे कि जो समुदाय के लिए होता है, जैसे कि शमशान भूमि आप दे सकते हैं, दूसरा आप दे सकते हैं तालाब, ठीक है। इस टाइप के जितने भी हैं उन सभी का आप डिस्कस करेंगे। बी नंबर है राजनीतिक प्रणाली के घटक क्या हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो राजनीतिक प्रणाली के जितने भी घटक हैं उन सभी को डिफाइन करना है, लेकिन मैं तो नहीं बता पाऊंगा ज़्यादा कुछ, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है। मैं केवल एक आपको दोस्त की भांति क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप पहले से कमर कस के तैयारी करके जाएं, ठीक है, ताकि अच्छे मार्क्स आएँ एंड लाइफ अच्छे से आपका चले, क्योंकि मार्क्स मायने रखता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मार्क्स मायने नहीं रखता, दोस्त मार्क्स मायने रखता है। तो आइए देखते हैं, सी नंबर है किसी राज्य की भौतिक विशेषताओं का वर्णन करें, डिस्कस द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्टेट, ठीक है। उसके बाद आपका डी नंबर है पारदेशिकता क्या है वर्णन करें, व्हाट इज टेरिटोरियलिटी डिस्कस। एंड ई नंबर है चुनाव भूगोल क्या है वर्णन करें, व्हाट इज इलेक्टोरल ज्योग्राफी डिस्कस। मेरा इंग्लिश थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा वीक है, इंग्लिश पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है इस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे ये सभी हो गए हैं, 5 में से किन्हीं 2 का ही 3 का ही आंसर लिखना है आपको, जो आपको अच्छा लगे एंड जो आप जल्दी लिख पाएँ वैसे ही। नेक्स्ट आता है आपके सभी 15 मार्क्स वाले, एंड 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको 300 शब्दों में देना है। मैक्सिमम 305 अंक का हो तो मैक्सिमम आपका 100 शब्द, 10 अंक का हो तो मैक्सिमम 215 अंक का हो तो मैक्सिमम 300, और 20 अंक का हो तो मैक्सिमम 400 अंक, ठीक है, 400 शब्दों में आंसर देना है इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 2 है राजनीतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए और इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, डिफाइन पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड डिस्क्राइब इट्स स्कोप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है राज्य से आप क्या समझते हैं, राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अ स्टेट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट्स। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था आपका संसाधन संघर्ष क्या है, संसाधन किस प्रकार संघर्ष उत्पन्न करता है, व्हाट इज रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ डू रिसोर्स क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों संसाधन बहुत सारे आपके संघर्ष क्रिएट करता है, वास्तव में देखा जाए तो पूरा जीवन ही हम लोग का संघर्ष है, एंड जब तक संघर्ष है तब तक जीवन है, जब तक संघर्ष नहीं है जीवन नहीं है दोस्त। 5वां क्वेश्चन है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की विस्तृत विवेचना करें, यानी कि डिस्कस इन डिटेल स्पेशली क्या आपको डिस्कस करना है इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। तो
तो जितने भी इकोनॉमिक जोन है उन सभी को पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। किसी भी पांच जो क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आप पॉइंट वाइज करके लिखते हैं, एक नंबर दो नंबर पॉइंट कर करके, तो उससे आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए दोस्त अच्छे मार्क्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। छठा क्वेश्चन है, मतदान में निर्वाचन क्षेत्रों की गेरीमेंडरिंग कांट छाट, गेरीमेंडरिंग को हिंदी में बोलते हैं कांट छाट, ठीक है। तो गेरीमेंडरिंग के प्रभाव का विस्तार से विवेचना करें, डिस्क्राइब इन डिटेल द इफेक्ट ऑफ गेरीमेंडरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन वोटिंग। तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन। के बाद आता है हमारा नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, भू राजनीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं इसके विकास को समझाइए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। एंड अंतिम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ है व्हाई वाटर डिस्प्यूट्स हैपन, एक्सप्लेन इन डिटेल द कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया, यानी कि जल विवाद क्यों होता है, भारत में कावेरी जल विवाद का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए कावेरी जल विवाद, सिंधु जल विवाद, उसके बाद आपके जितने भी जल विवाद हैं, जैसे कि कावेरी जल विवाद में 2-3 राज्य आता है आपका, महाराष्ट्र वगैरह आता है, तेलंगाना वगैरह, जितने भी राज्य हैं उन सभी के बारे में पढ़ लेना है कि किसको कितना जल मिलता है, इन सभी के बारे में पढ़ लें। जितने भी जल विवाद हैं उसको पढ़ लें अच्छा से, क्योंकि जब एक नदी एक से दो या दो से ज़्यादा राज्यों में जाती है तब उनके बीच जो पानी को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के जल विवाद उत्पन्न हो जाता है। कोई कहता है कि नहीं आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं पानी का, आप ज़्यादा बिजली वगैरह उत्पन्न कर रहे हैं, तो कोई स्टेट कहता है नहीं आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसी कारण जल विवाद होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लिखना है। एंड इसके बाद अगर आप, आपका तो फाइनल अब हो ही जाएगा, इसके बाद या तो आप MA करेंगे या फिर आप BA DL EDवगैरह करेंगे या फिर आप पढ़ाई छोड़ देंगे या कंपटीशन में उतरेंगे, यही सब ऑप्शन होगा, उसके बाद और क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों आप जो भी करेंगे, अगर आप BA DL EDवगैरह करते हैं, ठीक है, CTET वगैरह जो भी करेंगे, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको अपलोडेड कर दिया जाता है, चाहे आप MA करें, PG, MA, MCOM, MSc कुछ भी करें, BA DL EDसारा कुछ, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं रेलवे SSC से लेकर UPSC तक के सभी क्वेश्चन पेपर अपलोडेड, स्पेशली चैनल को क्वेश्चन पेपर के लिए ही बनाया गया है दोस्त, तो सब्सक्राइब कर लें, न जाने मैं आपके कब काम आ जाऊं। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें, थैंक यू।